माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में राम जी हैं बीटेक मैकेनिकल के। आज ये ट्राइडेंट में इंटरव्यू देके आए हैं, झटका खा करके आए हैं। आज तो ये बताएंगे आपको कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या इनसे पूछा गया, कहा कहते हैं। इसके पहले किस में इंटरव्यू दिया था? इंडिया में लगा कि क्या लगा तो नहीं ज्वाइन किया था सर, वर्किंग आवर ज्यादा था इसलिए। अच्छा, कुछ वर्किंग आवर। देखिए कानपुर में, मैं आपको एक बात बताऊं, कानपुर में प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर कंपनी आपको 8 घंटे देगी। अगर वो 8 घंटे, वैसे तो नॉर्मल लोहिया कानपुर प्लास्टिक कुछ कंपनी दे रही है, कुछ कंपनी अपने आवर शुरुआत में, क्योंकि उनके यहाँ शिफ्ट चलती है तो उसके हिसाब से वो पे करते हैं, तो हर कंपनी में ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? इंडिया में गैस प्लांट में मैकेनिकल का बंदा काम करेगा तो अपने 2 साल उसके ऐसी तैसी होंगे, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहा है। अब ये प्रोफाइल खराब होने की वजह से जब पूछा जाएगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए ये मैं वीडियो केवल एक सिलेक्शन का नहीं बता रहा, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बीटेक मैकेनिकल का बंदा जब एक जॉब छोड़ता है और दूसरी जॉब के लिए जाता है तो उसके जो क्वेश्चन हैं उनसे आपको फायदा मिलता है। क्या क्या पूछा उन्होंने आज, क्या क्या दिक्कत? ट्राइडेंट में कल मैं गया तो सर ने 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछा। उसके बाद आंसर अब देने में क्या लगा आपने? दिया मैंने, उतना बेटर नहीं था जितना सर एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मतलब 4 स्ट्रोक और 3 स्ट्रोक इंजन के बारे में, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछा। उसके बाद सर ने एमएस जो होता है और एसएस स्टील, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा। उसका आंसर आप दे दें इसका बताओ, तो वही सारी चीजें सर ने पूछी। इस तरह से मैं ज्यादा नहीं बता पाया। इनका ये जो फेलियर है ये इनकी ताकत बनेगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि कंपनी केवल आंख बंद करके लेके नहीं, आपकी कोर नॉलेज को भी चेक करेगी, और इसलिए जरूरी है कि आप एक बार सर मैडम को फोन कर। माय डियर कैंडिडेट, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो क्वेश्चन पूछे गए थे सब क्वेश्चन बता दिए। और कुछ याद है? एक और नॉकिंग करके पूछा हुआ था सर, नॉकिंग क्या होता है इंजन में, नॉकिंग बताया था पर टेक्निकल पूरा नहीं बता पाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया मैं वहाँ से। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं बोला, थैंक यू बोल के बस बोला, मतलब आई विल कॉल यू लेटर करके इस तरह से। माय डियर कैंडिडेट, आज आपको ये सीखना है कि बीटेक एजुकेशन जो आपने करी है किस कॉलेज से करी है? एसएससी सीट श्रीनिवास अग्रवाल। ये सारे कॉलेजेस जो भी निकल के आए हैं ये बिल्डिंग के कॉलेजेस हैं। फिर अगर आपकी नॉलेज अगर अच्छी नहीं है, आप अगर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आप, और फिर आपने जाके अगर एक गैस इंडियन गैस में कर दिया, जैसे मैकेनिकल का कोई यूज़ नहीं है, तो आपको झेलना भी पड़ेगा, नुकसान भी करना पड़ेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्चुअल में वो पैसा जितना मिल रहा है उतना लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत है ये मैं जानता हूँ। अब मैं जुगाड़ से एंट्री कराऊंगा नहीं, इनको नॉलेज भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने को बढ़ाना है। अब मैं कॉलेज खोल दूँ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दूँ, नहीं होगा। हाँ, एक अब चीज़ जरूर होगी जिसके लिए मैं आप सबसे कहता हूँ, अब आज जो इनका फेलियर है वो क्यों हुआ, क्योंकि इनकी नॉलेज डोमेन और वहाँ की चीज़ें दिक्कत है। आप सब लोगों को मैं इस बात के लिए बता रहा हूँ, जो लोग भी आगे टेक्निकल कंपनी में जाना चाहते हैं उन सबको लिए मैं कहता हूँ, ये जेडी अब इनको मैं प्रिपेयर करके भेजूंगा। इस कंपनी में जा रहे हैं तो इस कंपनी में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये किया जाता है, रिज्यूम में आपके ये होना चाहिए, आप वहाँ ये बता पाएंगे, पुश करेंगे, तब इनका पास में ये सिलेक्शन हो पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल मेकिंग। बीटेक बीसीए केवल आपको नॉलेज नहीं देता है, और जब कभी आपको दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और एक दूसरी गलती, जब आपको एक पहली ज्वाइनिंग ज़्यादा की मिल गई हो तो आप कंपनी को अपनी छोड़ दीजिए, दूसरी ज्वाइनिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ में अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहिए। यही एक तरीका है, कमाई भी होती रहे, अपग्रेडेशन भी होता रहे, कंपनीज में इंटरव्यू भी चलते रहे, तो आपका खुद पढ़ने का, कुछ चीज़ों को करने का आपका मूड बनता चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ हमेशा सिलेक्शन के ही केवल वीडियो नहीं दे रहा हूँ, एक रिजेक्शन का भी दे रहा हूँ आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। कंपनीज के फोन आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, माय शो जॉब.com। न्यू वीडियो देख रहे हो? ओके, थैंक यू।